तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और काफ़ी हेल्दी है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप मिक्स दाल। तो आज का नाश्ता बस दाल से ही हमें बनाना है, जो कि बहुत ही टेस्टी और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। तो इस दाल को अब हम करीब 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो मैंने धो लिया है, अब हम इसमें करीब 2 कप पानी डाल देंगे और इसे हम रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे दिन में भी छोड़ सकते हैं। जब फूल गया तो मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने पीस लिया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। साथ में इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन गरम किया है, तेल डाला है, राई डालेंगे, हरी मिर्च डाला है, 1 चम्मच के करीब इसमें उड़द दाल डाल देंगे, करी पत्ता डालेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब मैंने इसमें हींग डाल दिया है। अब इस तड़के को हम डाल देंगे बैटर में और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से तड़का लगाने के बाद ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे मिलाने के बाद साइड में रख देंगे। मैंने 3 कटोरी ले ली है। तो जी हाँ, आज की नाश्ता हम कटोरी में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे इडली मेकर में भी बना सकते हैं। तो कटोरियों में इस तरह से हम तेल लगा लेंगे। इसके बाद हम इस बैटर ले लेंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इस कटोरी में हम डाल देंगे। ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब ये नाश्ता बनेगा तो ये वो अपने आप ही फूलता है। तो थोड़ा जगह हमें छोड़ना है, तो हाफ़ कटोरी मैंने भर लिया है। इस तरह से टैप कर देंगे। इसके बाद मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। तो अब हम सारे कटोरी को इसमें रख कर कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम कुक कर लेंगे। ये नाश्ता दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। सुबह सुबह बहुत जल्दी बन भी जाता है और आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये नाश्ता बहुत हेल्दी है, साथ में स्वादिष्ट भी। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो हमारा गरम गरम नाश्ता बनकर तैयार है। तो अब हमने इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है, काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत फुला फुला नाश्ता बना है। तो आज का नाश्ता अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।